नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप और मैं हूं आपके साथ फातिमा ज़हरा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे ऋषि सुनक के नाम पर यूरोप से लेकर भारत में हल्ला मचा है। भारत में इसलिए क्योंकि ऋषि सुनक के दादा दादी अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के रहने वाले थे, इसलिए भी कि वो धार्मिक रूप से हिंदू परंपराओं का पालन करते हैं। उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भारत के प्रतिष्ठित उद्यमी और इंफोसिस संस्थापक NR नारायण मूर्ति की बेटी हैं। वहीं ब्रिटिश मीडिया में ऋषि सुनक की दौलत बहस का मुद्दा है। सुना है उनके पास पैसा बहुत है, इतना कि शाही परिवार भी मारे चुड़न के दांत पीसे। ब्रिटेन की लेबर पार्टी की एक सांसद है नाडिया विटोम। ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं, तो नाडिया ने ट्विटर पर दावा किया है कि नए ब्रिटिश PM ऋषि सुनक के पास प्रिंस चार्ल्स तृतीय से भी ज्यादा संपत्ति है। नाडिया ने लिखा है, ऋषि सुनक और उनकी पत्नी के पास 73 करोड़ पाउंड यानी करीब 6,823 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ये किंग चार्ल्स तृतीय की संपत्ति का लगभग दोगुना है। याद रखें, वो जब भी कड़े फैसले लेने की बात करें तो इसका मतलब है कि श्रमिक वर्ग को कीमत चुकानी होगी। यूनाइटेड किंगडम के बड़े अखबार संडे टाइम्स ने इसी साल जुलाई महीने में वहां के 250 सबसे अमीर लोगों की सूची जारी की थी। इसी सूची में 222वें नंबर पर ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति का नाम था। संडे टाइम्स के मुताबिक दोनों पति पत्नी की कुल संपत्ति 73 करोड़ पाउंड है। भारतीय रुपए में बताएं तो ऋषि सुनक और अक्षता मूर्ति के पास करीब 6,823 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अखबार ने बताया कि ये दोनों तकनीक क्षेत्र और फंड मैनेजमेंट के जरिए पैसा कमाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषि सुनक ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के मौजूद सांसदों में सबसे अमीर हैं। अब वो ब्रिटेन के इतिहास के सबसे अमीर प्रधानमंत्रियों में भी शामिल हो गए हैं। लेकिन पत्नी अक्षता के साथ आंकी गई कुल संपत्ति में उनका हिस्सा कितना है, इसे लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं है। अलग अलग रिपोर्टों के आधार पर अनुमान लगाया जाए तो ऋषि सुनक के पास 300 से 350 मिलियन पाउंड यानी 2,800 करोड़ रुपए से 3,270 करोड़ रुपए की संपत्ति हो सकती है। मतलब अक्षता मूर्ति के पास पति से ज्यादा पैसा है। बताया जाता है वो 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की मालिक हैं। जो ब्रिटेन की महारानी रही एलिजाबेथ बे द्वितीय की संपत्ति से थोड़ा ही आगे पीछे है। ऋषि और अक्षता के पास 4 मकान हैं, इनमें से 2 लंदन में हैं। यहाँ के केनसिंगटन इलाके में उनके एक घर की कीमत ही 65 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई जाती है। यॉर्कशायर में दंपत्ति की कोठी है। 12 एकड़ में फैली इस संपत्ति में एक झील भी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी सुनक मूर्ति का अपना एक पेंट हाउस है। राजनीति में छलांग मारने से पहले ऋषि सुनक बैंकर थे। 2001 से 2004 के बीच उन्होंने अमेरिका के बड़े मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैच के साथ काम किया था। बाद में ब्रिटेन की एक फंड मैनेजमेंट बैंक चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट से जुड़ गए। वहां 2006 से 2009 तक सेवाएं दी, फिर वापस कैलिफोर्निया चले गए पुराने पार्टनर के पास उनकी नई फर्म में काम करने के लिए। लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों बड़े प्रॉफिट वाले इन्वेस्टमेंट बैंक थे। जाहिर है इनके एक शीर्ष पदाधिकारी के रूप में ऋषि सुनक ने मोटी कमाई की। इसके अलावा 2013 से 2015 के दौरान सुनक अपने ससुर और दिग्गज भारतीय उद्योगपति नारायण मूर्ति की निवेश फर्म कैंट मैरिन वेंचर्स के निदेशक भी रहे। संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 25 साल की उम्र के आसपास ही सुनक करोड़पति बन चुके थे। उनकी दौलत में नाटकीय बढ़ोतरी की वजह रही अक्षता मूर्ति से शादी। 2009 में दोनों की शादी हुई। ये पहले ही बताया जा चुका है कि अक्षता नारायण मूर्ति की बेटी हैं। अब ये भी बता दें कि इंफोसिस में उनकी 0.9% की हिस्सेदारी है, जिसकी कीमत करीब 6,450 करोड़ रुपए बताई जाती है। वहीं ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में और वहां की सरकार के लिए काम करते हुए ऋषि सुनक को मोटी सैलरी मिलती रही। वे मई 2015 में पहली बार सांसद बने थे। उस समय ब्रिटिश सांसदों की बेसिक सैलरी ही 74,000 पाउंड थी। भारतीय रुपए में बताए
तो 59 लाख रुपए अप्रैल 2022 से ब्रिटिश सांसदों को 84,000 पाउंड से ज्यादा बेसिक वेतन मिलने लगा है, यानी लगभग 69 लाख रुपए। बाद में सुनक ब्रिटिश सरकार में मंत्री बने, चांसलर रहते हुए उन्हें 1.5 लाख पाउंड से ज्यादा की सैलरी मिलती थी, यानी अब मामला करोड़ों रुपए की सैलरी का हो गया था। और अब पीएम बनने के बाद ऋषि सुनक कम से कम 1,57,000 तक की सैलरी का क्लेम कर सकते हैं। इस समय ब्रिटेन के पीएम को 1,61,000 पाउंड तक का वेतन मिलता है, 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा। आपके लिए सारी जानकारी इकट्ठा कर लिखी है हमारे साथी दुष्यंत ने। कैमरा के पीछे हैं विजय। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।